तो ये प्रभात ना ऊपर चढ़ रहे हैं फोटो के लिए। तो अभी हम ना ड्रैग रेस करने वाले हैं अपाची 182। यहाँ का व्यू देखो बाहर, चारों तरफ देखो कितना प्यारा मौसम लग रहा है। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूँ शिवासीपाल, आप देख रहे हो शिवासीपाल ब्लॉग। तो अभी हम रेस कोर्स में, तो हम पहले इसलिए वीडियो नहीं बना पाए कि बारिश बहुत तेज हो रही थी और अचानक से धूप होने लग गई है और मौसम भी बहुत सही है। बाकी ये हमारे साथ मोहित, अभिषेक, प्रभात, बाकी दोनों को तो जानते होंगे। तो हम धर्मपुर जा रहे हैं, चलते हैं आगे सफर पे। एक बात तो है, देहरादून में मौसम कब किधर पलट जाए कुछ पता नहीं। जैसे अभी हम पीछे से आ रहे थे, घंटाघर से पीछे बारिश हो रही बहुत तेज और यहाँ से इतनी कड़क धूप। अब हमें लगा कि हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, बट हमने सोचा चलो चल लेते हैं। तो हम आ गया है तो यहाँ इतनी तेज धूप और मौसम देखो पूरा खुल चुका है, बाकी व्यू भी अच्छा रहा है। तो अभी हम चल ही रहे हैं, रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गाइस हम धर्मपुर पहुंच गए थे, जो हमारा काम था हमने पूरा भी कर लिया। तो अभी हम सोच रहे हैं ना कि मालदीव का चलते हैं, क्योंकि हम कब से गए नहीं और आखिरी टाइम जाने की सोची थी तो वो इंसिडेंस हो गया था कि पुल टूट गया था। तो अभी हम सोच रहे हैं मालदीव का जाएंगे, रिव्यू करेंगे क्या है क्या नहीं है, कैसा है पहले जैसा है। अब ये मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है भाई, ये देख सकते हो आसमान कितना साफ लग रहा है। मैं तो यही देख रहा हूँ तब से, ये प्रभात गाड़ी चला रहा है और मेरा यही काम है व्यू देखना। फाइनली अभी हम रायपुर चौक पहुंच गए बहुत देरों के बाद, और मतलब व्यू बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं। अभी हम चलते हैं और ये महाराणा प्रताप चौक में ही पहुंच गए, ये देख सकते हो। और अभी हमें यहाँ से ना टर्न लेके यहाँ को जाना है, क्योंकि यहाँ के हम चेक करेंगे। तो अभी हम महाराणा प्रताप से आगे आ चुके हैं और आप देख सकते हो व्यू, हम 2 मिनट के लिए यहाँ रुके हैं। आप रास्ता भी देख सकते हो, यहाँ का मतलब घूमने के लिए बहुत एकदम मस्त जगह है, क्योंकि यहाँ के रास्ते और मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो ये प्रभात ना ऊपर चढ़ रहे हैं फोटो के लिए, देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे उसकी बेइज्जती हो रही है बच्चा खो गया करके, तो प्रभात क्या फोटो खींचते हैं। तो अभी हम ना ड्रैग रेस करने वाले हैं अपाची 182 एक्टिवा 5G स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं क्या करते हैं। मतलब कुछ काम तो है नहीं, रोड प्यारी लग रही, तो हम सोच रहे बहाते हैं। तो आप देखते हैं स्टार्ट हो जगह है यहाँ पे मैच। 1 2 3 तो फाइनली हमारी रेस खत्म होगी, हम पहुंच गए थाना रोड की जो पुल है जो टूटी हुई थी, आपको दिखा सकता हूँ कितनी मतलब बनी गई है लगभग। और मैं तो हैरान हो गया कि इतने जल्दी रिकवर कैसे हो गई, क्योंकि जब हमने वीडियो में देखा तो ये पूरा साफ़ हो चुका था, नीचे से कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ पे देखो काम भी चलना, कंस्ट्रक्ट भी स्टार्ट हो रहा है, अब भगवान ना करे दोबारा कभी ऐसा हो। तो गाइस हम यहाँ से गाड़ियाँ खुदवाई थी, आप देखते रहिए। अब इसको ऑफ रोडिंग की शौक चल गया, सोचना बड़ा मुश्किल है कि इतनी चौड़ी नदी कैसे आ सकती है। मतलब ये देख सकते हो वो उस कोने से इतने कोने, मतलब बहुत चौड़ा है। और यहाँ पे पता नहीं कैसा हादसा हो गया, पर कोई ना इतने जल्दी भी रिकवर हो ही गया, क्योंकि यहाँ से मेन रास्ते ही जाते हैं और बहुत लोग को यहीं से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो इसको बहुत जल्द से जल्द रिकवर करा गया। हमने अभी आधा घंटा तक यहाँ पे बिता दिया, क्योंकि यहाँ पे व्यू भी है। पर तुम्हें एक चीज़ दिखाना भूल गया, यहाँ का व्यू देखो भाई, चारों तरफ देखो कितना प्यारा मौसम लग रहा है। थोड़ा देहरादून में थोड़ा आगे चले जाओ बारिश हो जाती है, थोड़ा पीछे आ जाओ मौसम ख़राब हो जाता है, कभी इतनी कड़क धूप कभी तेज बारिश। गाड़ी पीछे आ रही उनकी। तो हम ना अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं पुल के, क्योंकि वहाँ बैठ के भी क्या करना था। तो हम आगे का व्यू भी देख रहे हैं, देखो बहुत प्यारा है। एक तो हमें व्यू ऊपर का देखो कितना अच्छा लग रहा है वो देख सकते हो। तो हमने सोचा ना कि आगे तरफ चल लेते हैं, देख भी लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलते हैं, तो दोस्तों इन द सेम टाइम मेरे को 2 काम करने पड़े। एक तो हमें मंदिर दिख गया, वहाँ की वीडियो बनानी पड़ी, और एक तो हमने मालदीव तक ले गए थे। बट हम इन दोनों को एक ही में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, और जो उसका है वो अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी दोनों अपलोड एक एक दिन बाद करूँगा।
बाकी अब हम वापस जा रहे हैं, क्या करना है, और वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या बोलना चाहेंगे आप? शेयर मार दो। प्रभात भाई की बात को ना इनकार करते हुए करते हैं वीडियो को ख़त्म।